हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइज, आज मैं आपको सूजी और मटर का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला नाश्ता बनाना सिखाऊंगी। ये नाश्ता मैं आपको बिना तेल में बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 कप सूजी ले लेंगे। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे हम 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी दही डाल लेंगे, आधा कटोरी दही डाल लेंगे हम इसमें, और इसको हम पानी से भिगो देंगे। तो सूजी को मैंने भिगो दिया है, इसको हम 15 मिनट के लिए उठा के रख देंगे ताकि हमारी सूजी सॉफ्ट हो जाए। ये सूजी दानेदार होती है और जब हम इसको उठा के रख देंगे तो ये एकदम एक सार हो जाएगी। तो इसको तो उठा के रख देते हैं हम। और ये देखिए, मटर ले लेंगे, ये मैंने आधा कटोरी मटर लिए हैं 2 कटोरी सूजी के लिए। 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें अदरक डालेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दर दरा हम पीसेंगे इनको। मटर पीस लिया हमने और ये खुल भी नहीं रहा। बैटर को 15 मिनट के लिए उठा के रख दिया था और अब देखिए, ये सूजी ने पानी सोख लिया सारा, अब गाढ़ी हो गई है। तो थोड़ा पानी और डालेंगे हम और इसको थोड़ा नॉर्मल कंसिस्टेंसी में कर लेंगे, और जैसे इडली बनती है उसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है, एक पतीला रख देंगे और इसमें भी हम बाद में पानी डालेंगे। पहले हम मटर तैयार करेंगे जो इसके अंदर स्टफ़ करने हमने। तो ये देखिए, ये मटर ले लिए हैं जो उसको हमने पीस लिया था। इसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और अब इसको मिक्स कर लेंगे। मटर हमारे तैयार हो गए हैं, पानी डाल लेंगे हम गरम करने के लिए और इसको पानी को गरम कर लेंगे। और इसके बीचों बीच एक कटोरी रखेंगे जिस पर हम अपना नाश्ता स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। एक बर्तन में थोड़ा सा घी लगाकर और बैटर डाल देंगे। मीठा सोडा हम बाद में भी डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बैटर मैंने इसमें निकाल लिया है और इसमें हम बिल्कुल 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा डालेंगे। ज़्यादा मीठा सोडा नहीं डालेंगे, कड़वा हो जाता है इससे हमारा नाश्ता। और इसको थोड़ा मिक्स कर पानी पर चढ़ा देंगे। थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया अलग से। और इसको 1 मिनट के लिए स्टीम करेंगे पहले हम। 1 मिनट स्टीम होने के बाद ये देखिए, जो हमने मटर पीसा था इसके बीचों बीच फैला देंगे थोड़ा थोड़ा। और फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। मटर को अच्छी तरह फैलाने के बाद फिर से सूजी का बैटर ऊपर से डाल देंगे। इसको रखे हुए 10-11 मिनट हो चुके हैं, तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छी तरह फूल गया है। इसको चेक करने के लिए हम चाकू से देखेंगे, अगर इस तरह से चाकू डालेंगे, चिपकता नहीं है तो ये परफेक्ट है। तो हल्का सा चिपका है, हल्का फुल्का ये चिपक रहा है अभी, तो 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे अभी इसको। तो गाइस, इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको एक बार फिर से चेक करेंगे। तो बन चुका है ये हमारा नाश्ता, अब गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। निकाल लेते हैं इसको बाहर, ये देखिए इस तरह से बाहर निकालेंगे घुमाते हुए।
नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर हम इसको सेक कर तड़का लगाकर खाना चाहें तो तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। तो पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हरा भरा नाश्ता, हरी मटर का और सूजी का, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी, और ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो गाइज ये देखिए नाश्ता हमारा बनकर तैयार है, और इसी तरह से आप भी घर पर इसे ट्राई ज़रूर करना, और अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसे लगा। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।